दोस्तों ज़का अशरफ के एक बयान ने पाकिस्तान की टीम जो कि इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई हुई है उसके लिए खतरात बढ़ा दिए हैं। ज़का अशरफ ने पाकिस्तान की टीम के लिए कहा था, मैंने सेंट्रल कॉन्टैक्ट इसलिए बढ़ाया है ताकि ये दुश्मन मुल्क में जाके खेले। इंडियन मीडिया का रिएक्शन सुन। अक्सर ये बात कहते हैं ना कि खेल खिलाड़ी ये वो सो, यहाँ से तो यही बोला जाता है, वहां से भी कि जी, और अगर आप प्लेयर्स से पूछो, फॉर्मर प्लेयर्स, ये जी देश को जो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये सब चीज़ें जो है इनको दूर रखो, खेल को। ज़का अशरफ ने ये बता दिया है कि एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक तरह से पॉलिटिशियन ही है। और इतना इररिस्पॉन्सिबल कमेंट, देखिए उन्होंने कहा कि जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, दोनों तो उन्होंने दो ही बातें करी। उस छोटा सा स्टेटमेंट आया है, वीडियो है, उसमें उन्होंने दो ही बातें कही हैं, एक कि जी मैंने इतने पैसे दे दिए, मैंने, उन्होंने अपनी जेब से पैसे नहीं दिए, ए दूसरी बात ताकि जी हमारी टीम बहुत मोटिवेटेड होगी दुश्मन मुल्क में जाके उनको खेलने के लिए। ऐसा मतलब उनसे मैं बोल रहा हूँ, कोई आम आदमी जिसको पता नहीं समझ ना हो या उसके अपने इमोशंस हो, वो कह दे। ज़का अशरफ वो पीसीबी चेयरमैन बन चुके हैं इतनी बार, दोबारा बनने की तैयारी हो रही है, बन चुके हैं। ही कैरीड हिमसेल्फ वेरी वेल यार, एशिया कप से पहले, एशिया कप के दौरान कोई ऐसा मतलब कोई स्टेटमेंट, यार ये कोई बात बनती है? और मैं तो कहता हूँ आप खुद पाकिस्तान की टीम के दुश्मन हो बॉस, आप ही हो ज़का अशरफ साहब अपनी टीम के दुश्मन, अब बाकियों को तो छोड़ दीजिए।